तो गाइस अभी हम इमोजी से किचन आइटम के नाम गेस करने वाले हैं और इसमें भी तुम लोग को ग्रेड मिलेगा। और लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोग से पूछा था अपने सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, तो आंसर है 8 प्लैनेट्स। और जो 5 लोग जिन्होंने सही आंसर दिया उन्हें शाउट आउट मिलेगा, तो वो है इस्लामिक चैनल, दवार महमूद, रियांश तांतिया, रॉकी गेमर वाईटी और देव शर्मा। कांग्रेचुलेशन। ऐसे वीडियो में कमेंट करते रहो, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग का नाम आ जाए शाउट आउट में। तो ये पहली वाली इमोजी देखो और मेरे को बताओ कि कौन से किचन आइटम का नाम है। ये आइटम तुम को काफी कम ही लोगों के घर में देखने को मिलेगा, मतलब सब लोग यूज नहीं करते हैं। लेकिन एक हिंट मैं ये दे देता हूँ कि इसके अंदर ब्रेड का काम होता है। यस गाइस, इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दे सकता। फटाफट से मेरे को आंसर चाहिए, तो जल्दी जल्दी से नीचे कमेंट में बता दो। भाई लगता है काफी सारे कमेंट आ गए होंगे, क्योंकि ये है पैर की उंगलियां जिसे कहते हैं टो, और ये है सितारे यानी कि स्टार, तो मिला देने भी बन गया टोस्टर। यस टोस्टर गाइस, जो किचन आइटम है इसमें ब्रेड डालते हैं और इसे चटक से निकलता है। यार इंडिया में काफी कम लोग यूज करते हैं, लेकिन अमेरिका में तो बहुत ज्यादा ही लोग यूज करते हैं। क्या ये तुम लोगों ने गेस कर लिया था? तो फटाफट से लाइक करके मेरे को बताना यार, तभी तो पता चलेगा। तो चलो अभी हम लोग इस सेकंड वाला इमोजी देखते हैं। ये भी यार एक मस्त किचन आइटम है, डेली यूज होता है, ये सब लोग यूज करते हैं। और मैं एक हिंट ये दे देता हूँ कि ये मिठास भरने में काम आता है। यस गाइस, भाई बहुत बड़ा हिंट दे दिया है मैंने, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी जल्दी से अब मेरे को आंसर नीचे कमेंट में बता दो। भाई लगता है काफी लोगों ने कमेंट कर दिया है, क्योंकि ये पहला वाला है जूता यानी कि शू, और दूसरा है गाड़ी यानी कि कार, तो मिला देने पे बन गया ये शुगर। शुगर गाइस, चीनी, जो मिठास भरने में काम आता है। हर चीज में चीनी यूज होता है, बिना चीनी के तो यार जिंदगी अधूरा है। क्या तुम लोगों ने ये गेस कर लिया था? तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना, तभी तो वीडियो आएगी, तुम लोगों को पता चल जाएगा। तो चलो अभी अपने थर्ड देखते हैं। ये भी एक गजब का किचन आइटम है। ये देखने में रेड कलर का होता है और ये भी काफी मीठा होता है। बस इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दे सकता तुम लोगों को, नहीं तो भाई तुम लोगों को ऐसे ही पता चल जाएगा। वैसे भी इमोजी इजी है, सेकंड वाले को बस इंग्लिश में गेस करना और बाकी तो तुम लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। तो फटाफट से मेरे को आंसर नीचे कमेंट में बता दो। भाई लगता है काफी लोगों ने कमेंट कर दिया है, क्योंकि पहला वाला है टमाटर जिसे कहते हैं टोमेटो, ये है एक आरी जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉ, और ये है एस, तो मिला देने पे बन गया टोमेटो सॉस। यस गाइस, टोमेटो सॉस जो रेड कलर का होता है, बहुत ही मीठा होता है। मुझे तो हर चीज में सॉस चाहिए, बहुत मजा आता सॉस खाने में। क्या ये तुम लोगों ने गेस कर लिया था? भाई सही है यार, खुद के लिए ताली बजा देना। चलो अभी अपने फोर्थ वाला देखते हैं। ये तो काफी इजी है तुम लोगों के लिए, क्योंकि पहले वाले को लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में वो सोचो, और सेकंड वाला तो तुम लोगों को समझ में आ ही रहा है। और ये किचन आइटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, आई होप तुम लोग समझ गए होगे सीटीवीडी का काम चलता है इसमें। भाई ये तो मैंने बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया है, तो अब जल्दी जल्दी से सभी लोग मुझे आंसर कमेंट में बता दो। भाई लगता है काफी सारे कमेंट आ गए हैं, क्योंकि ये है एक खाना बनाने वाला यानी कि कुक, और ये है आर, तो मिला देने पे बन गया कुकर। कुकर गाइस यार कितना ज्यादा यूज होता है, सीटी मारता है वो, और ये इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट किचन आइटम है। क्या ये तुम लोगों ने गेस कर लिया था? तो भाई सही है यार। तो चलो अभी अपन ये फिफ्थ वाला भी गेस कर लेते हैं। ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट किचन आइटम है, हालांकि सभी लोगों के घर में नहीं होता, लेकिन ये काफी काम है पिज्जा टाइप चीजें बनाने में। भाई बहुत 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 बड़ा हिंट दे दिया ये बोल के मैंने, अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सा किचन आइटम है। और केक बनाने में भी काफी काम आता है, भाई ये भी एक बहुत बड़ा हिंट है। तो अब बता दो बस, और मुझे नहीं चाहिए, फटाफट आंसर चाहिए।
भाई लगता है काफी कमेंट आए हैं क्योंकि ये है MI का लोगो, तो MI ये है कौवा यानी कि क्रो, ये लिखा है ओ, और ये एक वैन है, तो मिला देने बन गया माइक्रोवेवन, माइक्रोवेव ओवन जो होता है यस, उसमें पिज्जा बनता है, केक बनता है। हालांकि ये सभी लोगों के घर में नहीं होता, लेकिन ये भी आजकल थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट सा हो गया है। क्या ये तुम लोगों ने गेस कर लिया था? भाई सही है यार। तो चलो अभी अपन ये नेक्स्ट वाला गेस कर लेते हैं। ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट किचन आइटम है, इसे ये होता ही है सबके घर में। इससे ज्यादा हिंट में क्या दूं तुम लोगों, इमोजी देख के समझ में आ रहा होगा। ये पहला वाला वो है जो कोट के आगे हम लोग लगाते हैं, मतलब टाई की जगह जो हम लोग लगाते हैं वो है ये, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं वो गेस करना है। और सेकंड वाला तो तुम लोगों को समझ में आ ही रहा है, तो फटाफट से अब आंसर चाहिए तो जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दो। भाई लगता है समझ गए होगे, क्योंकि ये जो हम लोग टाई की जगह लगाते हैं उसे कहते हैं बो, और यहाँ लिखा है एल, तो मिलाद में बन गया प्रोनाउंसिएशन में वो है बाउल। यस गाइस, हर किचन में बाउल होता है यार, क्या ये तुम लोगों ने गेस किया था? तो भाई सही है। तो चलो फिर अभी अपन ये नेक्स्ट वाला भी देखेंगे। ये तो एक ऐसा किचन आइटम है जिसके बिना जिंदगी ही खत्म है, मतलब ये ही है जो है, इसको ही खाते हैं हम लोग, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, सब खाते हैं इसे। भाई यही मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है तुम लोगों को। अब तो मेरे को आंसर चाहिए। फर्स्ट वाला इमोजी तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा मेरे बोलने पे, और सेकंड वाला तो तुम लोगों को पता ही है क्या है। तो भाई आंसर अब बता दो। भाई लगता है कमेंट आ गया है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला तो वेज है और ये सेकंड वाला है टेबल, तो मिला देने में बन गया वेजिटेबल। वेजिटेबल जो सभी लोग खाते हैं, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है, सब्जियां, उसी से तो सब कुछ मिलता है, मिनरल प्रोटीन जो भी है यार। क्या ये तुम लोगों ने गेस कर लिया था? तो भाई सही है, सही है। तो चलो अभी अपन ये नेक्स्ट वाला देखेंगे। ये वाला भी काफी सही किचन आइटम है, क्योंकि ये चाय बनाने में, पानी गर्म करने में, ये में भी काम आता है। यस, अब तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर तुम लोग होटल में कहीं पे रुकते हो तो वहाँ पे भी तुम लोगों को ये देखने को मिलता है। यस गाइस, अब तो भाई सभी लोग समझ गए होंगे। वैसे भी इमोजी भी काफी सिंपल है, पहले वाले को सोच रहे हैं, सेकंड वाले तो समझ में आ ही रहा है। तो फटाफट से मेरे को आंसर बता दो। भाई लगता है काफी लोग कमेंट कर दिए होंगे, क्योंकि ये पहला वाला है बिल्ली यानी कि कैट, और ये है एल, तो मिला देने पे बन गया कैटल। कैटल गाइस, इसमें चाय गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, अगर तुम लोग होटलों में जाते हो तो वहाँ पे भी हमें ये पड़ा हुआ मिलता है, इसमें हम लोग पानी वानी गर्म कर सकते हैं, काफी सुविधा होती है इससे। क्या ये तुम लोगों ने गेस कर लिया था? भाई मजा ही आ गया यार। तो चलो अभी अपन ये आज का लास्ट वाला गेस कर लेते हैं। ये भी एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट किचन आइटम है, इससे बहुत बहुत झाल लगता है। ये तो तुम लोगों फर्स्ट इमोजी देख के ही समझ में आ रहा होगा। मेरे को लगता नहीं इसमें तुम लोगों ज्यादा हिंट की जरूरत है, क्योंकि ये देख के तुम लोग समझ रहे हो। तो आंसर अब चाहिए मेरे को, तो भाई बता दो सब लोग। भाई लगता है आंसर आ गए हैं, क्योंकि पहला वाला है मिर्ची यानी कि चिली, और दूसरा वाला है पाउडर। मिला देने पे क्या बन जाएगा? चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर। यस गाइस, भाई हर चीज में रेड चिली पाउडर डलता है यार, उसी से तो खाने में स्वाद आता है और आंखों में आंसू आता है। यस गाइस, ये भी तुम लोगों ने गेस कर लिया था तो सही है। और लास्ट में हम लोगों ने गेस द प्लैनेट का चैलेंज किया था, वो तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है, अभी जाके देखो। तुम लोग मिलते हैं उस वाले वीडियो में, और तुम लोग अपना ग्रेड भी बता देना कमेंट में। बाय बाय।